ये सामने ही वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है। अब ये कौन सी है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये मैंगलोर से आने वाली भी हो सकती है और मुंबई से आने वाली भी हो सकती है। चलिए अंदर चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देख सकते हो कि दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि जो मैंगलोर से मडगांव आई है और जो मुंबई से मडगांव आई है, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि दोनों मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस है, तो प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा है कि पूरी प्लेटफॉर्म पर 2 ट्रेन को खड़े कर दिए। वैसे जो मैंगलोर वाली है ये तो जाएगी बाद में यानी कि शाम को, लेकिन हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर है 2:40 पे। चलिए चलते हैं अपनी ट्रेन के पास। तो मडगांव के इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी काम चल रहा है, तो मैं यहीं पे बैठ गया क्योंकि अभी तक हमारी ट्रेन का डोर ओपन नहीं हुआ है, और अभी डोर ओपन होता है तो चलते हैं। वैसे 1 घंटा भी नहीं बचा है ट्रेन को छूटने में, एक्चुअली 40 मिनट भी नहीं बचे। और मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। सबसे पहली सर्विस जो इस वंदे भारत एक्सप्रेस ने यानी कि मडगांव से मुंबई की थी वो थी 27 जून 27 जून 2023 को, और इसका जो एसी चेयर कार का जो फेयर है वो है 1,745 रुपये, 308 रुपये कैटरिंग चार्जेस है, 3,295 रुपये एग्जीक्यूटिव क्लास का है और 369 रुपये खान पान का है। जब आया था तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल थी, लेकिन खान पान कुछ खास नहीं था। चलिए अब कोच के ही पास चलते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी घबराहट होती क्योंकि ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है भाई, अगर बंद हो गया और आप बाहर रह गए तब फिर वो ओपन नहीं होता। इस बात का आप भी ध्यान रखें, कोई आपको छोड़ने आ रहा है दरवाजे पे अपना सामान अंदर रख लें और उसको बोल दें कि जाएं। हाँ, अगर आधा घंटा 25 मिनट बाकी है तब फिर कोई बात नहीं, लेकिन 5 मिनट पहले रिस्क ना लें। चलिए चलते हैं अपने कोच के पास। तो 20 मिनट बाकी है और ट्रेन का डोर ओपन हो गया है। सब लोग आप देख सकते हो अंदर जा रहे हैं, तो सब लोग अंदर चले गए हैं। चलिए हम भी अंदर चलते हैं। और मेरी सीट तो 41 नंबर है, स्लाइडिंग डोर रहता है तो वो खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पहले मैं बैग रखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कोच का लेआउट। आप देख सकते हो 3x2 का लेआउट है, ऊपर रीडिंग लाइट है और उसके ऊपर आप देख सकते हो सबने बैग रखा है। ऐसे ही ट्रे रहती है और इस कोच में सीट्स कम रहती है, ये देख सकते हो आप। ये स्पेसिफिकली हैंडीकैप के लिए रखी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेट भी है और फुटरेस्ट भी है, जो आप इसलिए इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। एक मिनट, नहीं हो रहा यार, क्या मालूम क्यों टाइट है। एनीवेज, और ये हैंड रेस्ट जो ये ऊपर नीचे होता है, साइड वाला नहीं होता। और यहाँ पे आप रिक्लाइनर की बटन है, और ये विंड स्क्रीन के लिए, अभी तो बहुत धूप है इसलिए मैंने थोड़ा नीचे कर लिया, इतने में से ही शूट कर लेंगे क्योंकि धूप तो बहुत ज़्यादा है और गोवा की धूप तो भाई ज़बरदस्त है। तो फिर 2:45 पे हमारी ट्रेन मडगांव जंक्शन से चल दी है। और एक ख़ास बात आपको बता दूं, अगर आप मानसून में ट्रैवल कर रहे हैं यानी कि जून से अक्टूबर के बीच में, तो टाइम टेबल बदल जाता है और ये ट्रेन के रनिंग डेज भी बदल जाते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि तब आपको टाइम टेबल और फेयर अलग मिल सकता है।
तो अपने ट्रेन पहुंच गई है थिविम और यहाँ पे थोड़ी सी लेट है क्योंकि वही स्टार्ट का जो डिले था और मेरी सीट हो गई है एक्सचेंज। तो सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप कंप्लीट करते ही ट्रेन थिविम से चल दी है और अगर आपको कोई छोड़ने आ रहा है तो आप प्लीज़ उसको अंदर ना बुलाएं। तो ये इवनिंग स्नैक्स का आइटम है, जूस है एप्पल का और ये शायद कचौरी लग रही है, देखते हैं क्या है। और ये पीनट चिक्की है, इसको भी साइड में करते हैं। और ये चिवड़ा है और टमाटो केचप और एक है टी मिक्स पाउडर, कॉफ़ी चाहिए तो आप कॉफ़ी भी मंगा सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र अच्छी बात है, टिश्यू पेपर और स्टर। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है दिवाली। तो चलिए इसको खाते हैं और देखते हैं कैसी है। तो हमारी ट्रेन कंकावली पहुंची है शार्प ऑन टाइम 4:18 पे। नाश्ता तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था क्वांटिटी और क्वालिटी परस्पेक्टिव से। अब यहाँ से हमारा अगला जो स्टॉप है वो है रत्नागिरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। तो हमारी ट्रेन कंकावली से 4:21 पर चलती है। अब मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। इस कोच का वॉशरूम अलग रहता है C1 और C7 कोच से, तो चलिए चेकआउट करते हैं इसका वॉशरूम। तो ये टॉयलेट है, फ्लश की बटन हैंडल है, ऊपर ये फ्रेगनेंस के लिए ओडोनिल रखा हुआ है और ये कोई चीज़ टांगने के लिए जैसे कि मैंने अपना बैग टांगा। और ये सोप है, वहाँ पे आप टॉवल टांग सकते हैं। नीचे वॉश बेसिन है और इस तरफ हैंड ड्रायर है, मिरर भी अच्छा खासा बड़ा है और नीचे इसने यहाँ पे टिश्यू पेपर रखा है और ये हैंडल है जिसको आप पकड़ सकते हैं। तो ठीक 5:50 का अपनी ट्रेन रत्नागिरी से चल रही है और ये सामने आप देख रहे हो ये है रोरो कंसेप्ट, यानी कि ट्रक फ्रेट के ऊपर लोडेड है और अभी शायद चेन पुलिंग हो गई है क्या मुझे पता नहीं, जो स्लो हो गई है देखते हैं। खैर ये कंसेप्ट से ट्रक्स वालों को भी फ़ायदा होता है क्योंकि उनको घाट नहीं पार करना पड़ता है और साथ ही साथ रेलवे को रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है। तो भाई साहब आप देख सकते हो सब लोडेड है इसके ऊपर और तैयार है। तो ये खाना अनबॉक्स हो गया, दही है, नमक है, हैंड सैनिटाइजर है, पिकल है, 2 रोटी है और ये चावल है आप देख सकते हो और वो दाल है और ये पनीर की सब्जी है और इसमें पनीर के पीसेस ठीक ठाक है, करी कुछ ज़्यादा ही लग रही है फिर भी देखते हैं कैसी है।
खाना भी अच्छा था क्वांटिटी और क्वालिटी में, और बटर स्कॉच की आइसक्रीम भी है मुर्गी, तो ओवरऑल खाना तो सही था इस ट्रेन का, रन भी अच्छा रहा है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे शेयर करनी थी वो ये है कि अगर आपको पनवेल और थाने के बीच में कहीं जाना है तो पनवेल पे उतर जाइए और लोकल ट्रेन पकड़िए, आप इजीली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अगर आप थाने जाके वापस आएंगे तो आपको रश मिल सकता है। उसी तरह से थाने से दादर के बीच में या थाने से घाटकोपर के बीच में अगर आपको कहीं उतरना है तो थाने पर उतर जाइए, वो बेहतर रहेगा, वरना आपको फिर रश मिल सकता है। और अगर आपको वेस्टर्न रेलवे पर कहीं जाना है तो बेस्ट है दादर पर आप उतर जाइए। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फिर भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रेन सीरियसली डे में ट्रैवल करना है तो बढ़िया है, आप डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दबाइएगा, कोई इसमें ट्रैवल कर रहा है तो शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक आपने देखा है वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी जर्नी कम्प्लीट करूँगा थाने पर, फिर भी कोई क्वेश्चन सजेशन फीडबैक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइएगा। आज 5 से 10 मिनट देर